हे एवरी वन, वेलकम टू वीबी लॉ। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सेडिशन लॉ, दैट इज गिवन इन सेक्शन 124A IPC। रिसेंटली CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना हैज सेड इफ दिस लॉ स्टिल नीडेड आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस लॉ। सो दीज रिमार्क्स केम ऑन ए पिटिशन फाइल्ड बाय एन आर्मी वेटरन, दैट इज SG वोमबटकरे, challenging the provision. He has challenged this provision in the Supreme Court regarding this, that is sedition law, that it is violative of Article 19 of the Constitution of India, that provides you right to speech and expression and right to equality. So let's discuss about this law, what this section 124A says. सेक्शन 124A में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई भी अगर वर्ड से, आइदर स्पोकन और रिटन या फिर साइन से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से कुछ भी ऐसा करता है जो गवर्नमेंट को हेटेड है, या फिर ऐसा कोई कंटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है डिसअफेक्शन, जो कि आपको डिसअफेक्शन भी इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि डिसअफेक्शन का मीनिंग क्या होता है, दैट इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। कुछ भी ऐसा करना जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसलॉयल्टी होगी, ठीक है, कोई भी ऐसी हेटेड की चीज़ होगी, उसको सेडिशन में काउंट किया गया है। एंड इसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है आपको, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, टू विच फाइन में बी एडेड और विद फाइन। कमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अनलॉफुल मीन्स विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट, कुछ भी ऐसा हेटेड का गवर्नमेंट के अगेंस्ट करना स्पेसिफिकली, उसको सेडिशन में काउंट किया जाता है, जो कि 124A में कहता है। अब जो ये डिसअफेक्शन वर्ड है, दैट इज़ वेरी ब्रॉड एंड वेग, ठीक है, इसका कुछ भी ऐसे नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। वी हैव सीन सो फार अ नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट अ जर्नलिस्ट, ठीक है, कन्हैया कुमार, वेरी अदर लाइक पॉलिटिशियंस एंड ऑल, इन दिस नंबर ऑफ केसेज ऑन द सेडिशंस हैज ऑल्सो इंक्रीज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। सो दैट्स वाई दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन कम्स, वेदर दिस सेडिशन लॉ शुड बी चेंज, वेदर एनी अमेंडमेंट शुड बी डन इन दिस लॉ, और दिस शुड बी मेड कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। सो वॉट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस, लेट सी हाउ इट स्टार्टेड। सो दिस इंडिया सेडिशन लॉ हैज़ एन इंटरेस्टिंग पास्ट। IPC वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स इन कलोनियल इंडिया, वी नो दैट, इन 1860, बट नो सेक्शन कंसर्निंग सेडिशन। दिस वॉज, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1870 में ऑन द ग्राउंड दैट कि इसको गलती से, जो ओरिजिनल IPC जब ड्राफ्ट किया गया था उसमें गलती से बाई मिस्टेक इसको, ठीक है, लिखना वो भूल गए थे, इसलिए उन्होंने इसको 1870 में इसमें इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। सो इसको ब्रिटिशर्स काफ़ी यूज़ करते थे इसको अगेंस्ट, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सबके अगेंस्ट उन्होंने सेडिशन चार्जेस लगाए थे। लिस्ट बहुत लंबी है कि जिन्होंने, जिस पे उन्होंने सेडिशन चार्जेस लगाए थे। एंड बाल गंगाधर तिलक वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन पे कि कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिशर्स ने उस टाइम, ठीक है, ये चार्जेस लगाए थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी कन्विक्टेड ऑफ सेडिशन इन कॉलोनियल इंडिया। सो दिस वॉज द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट दैट मेड सेक्शन 124A एक कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि अगर पुलिस किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट दे कैन अरेस्ट। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इसको, ठीक है, क्या बनाया गया था, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया था इंडियन हिस्ट्री में। एंड इन द न्यू कोड ऑफ CRPC विच केम इन टू फोर्स ऑन 1974, रिपील्ड द कॉलोनियल एरिया 1898 कोड ऑफ CRPC, सेडिशन वॉज मेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको अमेंडमेंट करके बनाया गया, जिसमें कि पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। सो दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, जिसमें कि पुलिस को कोई भी वारंट नहीं चाहिए होता, दे कैन डायरेक्टली, तो इसका मिसयूज बहुत होता है। ठीक है, वी हैव सीन कि नंबर ऑफ केसेस हैज इंक्रीज्ड, अगर कोई कुछ भी कहता है, कोई ऐसी स्पीच दे देता है, या फिर कोई जर्नलिस्ट, वी हैव सीन अ नंबर ऑफ केसेस इन द पास्ट ईयर्स, तो पुलिस क्या करती है कि वो डायरेक्टली उस पर्सन को, ठीक है, सेडिशन के चार्जेस लगा देती है। सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज ऑलवेज अ डिबेटेबल इशू कि इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, वेदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। सो दैट्स वाई CJI NV रमना ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल को बोला कि इसके इसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। दैट्स वाई ही आस्क्ड हिम टू सी दिस अकॉर्डिंग टू एडवाइज द, ठीक है, कोर्ट रिगार्डिंग दिस। एंड इट इज़ इन द केस ऑफ केदारनाथ सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1962, ठीक है, इसमें जो कोर्ट है इसने अपहेल्ड की थी वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ। दिस वॉज द फर्स्ट केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, रिमेंबर दिस केस लॉ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी UPSC एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम। दिस टॉपिक इज अ डिबेटेबल इशू, सो देर आर वेरी
चांसेस कि आपको ये टॉपिक एग्जाम में आ जाए, चाहे वो एससी राइटिंग में आए, चाहे वो किसी भी वे में है. सो सेवन पिटीशंस ऑन सेक्शन 124A आईपीसी इज लाइंग इन द सुप्रीम कोर्ट. दीज आर द पिटीशंस. यू कैन सी आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ दीज पिटीशंस. फर्स्ट इज किशोर चंद्रा वांगखेमचे एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. दीज वर द टू जर्नलिस्ट फ्रॉम मणिपुर जिन पे कि सेडिशन का चार्ज लगा था. देन PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ILS प्रोफेसर्स चैलेंज, एडिटर्स गिल्ड चैलेंज, शशि कुमार चैलेंज, FMP चैलेंज, कॉमन कॉज चैलेंज. सो ये सात पिटीशंस ऐसी हैं जिनको अभी डिसाइड करना है. दीज आर लाइंग इन द सुप्रीम कोर्ट. सो इफ यू वॉन्ट टू रीड दीज पिटीशंस इन डिटेल, ठीक है, आप लोग रीड कर सकते हो. नाउ द मेन, ठीक है, जो अभी हम जिसके बारे में बात करें, अभी जो पिटीशन लाई कर रही है, ठीक है, कोर्ट में, वो मैंने आपको भी बताया मेजर जनरल ने जो की हुई है, ठीक है, उस पर कोर्ट ने, इसमें CJ रमना ने बोला कि इस देर की इसकी ज़रूरत है अभी भी इस लॉ की, क्योंकि जो हमारा IPC था उस टाइम ड्राफ्ट किया गया था ब्रिटिशर्स ने. सो अभी जैसे हमने देखा 497 भी कोर्ट ने उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड कर दिया, काफ़ी लॉज में अमेंडमेंट हुई हैं. सो ऐसे ही सेडिशन लॉ में भी उन्होंने बोला कि क्या इसको भी ज़रूरत है अभी इतने टाइम बाद, इतनी इंडिपेंडेंस के बाद, क्या हमें इसे, ठीक है, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट दिया हुआ है. फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जस्ट ये नहीं है कि अगर किसी ने, ठीक है, कुछ बोल दिया, किसी को कुछ नहीं ठीक लगा गवर्नमेंट का, तो उसने कुछ बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर सेडिशन के चार्ज लगा दोगे. सो इसका मिसयूज़ बहुत होता है. तो मेन कंटेंशन जो पिटिशनर्स की इन सब पिटिशन में थी वो यही थी कि जो सेक्शन 124A है वो उनका फंडामेंटल राइट टू जो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, जो उनको प्रोवाइड किया गया है, उसको वायलेट करता है. सो कोर्ट ने, ठीक है, अभी जो केस चल रहा है, जो मेजर जनरल का केस चल रहा है, उसमें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है एंड द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज KK वेणुगोपाल. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस अनफोल्ड्स बिफोर द एपेक्स कोर्ट, ठीक है, क्योंकि अमिड अ बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेज दैट वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि सेडिशन के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेज इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट से हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, ठीक है, दिशा रावी केस, या फिर कोई एक्टिविस्ट हो, या फिर जर्नलिस्ट हो, या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो, तो बहुत ज्यादा सेडिशन के चार्जेस लगते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिबेटेबल इशू. सो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. टेक केयर.